हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टेग्राम एकेडमी। दिस इज़ इंद्रजीत हेयर एंड आज हम बात करेंगे कि जावा में टूल टिप को हम कैसे क्रिएट करते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट थिंग तो आ जाती है कि टूल टिप होता क्या है। टूल टिप आपने देखा होगा कि अगर हम बहुत कोई बड़ा सा फॉर्म है हमारे पास में, ठीक है, फॉर्म कोई कॉलेज का फॉर्म वगैरह फिल करने बैठे हैं, तो जैसे हम किसी टेक्स्ट फील्ड के ऊपर अपना कर्सर लेकर जाते हैं तो वो शो करता है कि एंटर नेम, राइट, या फिर हम किसी बटन को क्लिक करने जा रहे होते हैं तो उस पर एक इन्फॉर्मेशन लिखी होती है कि क्लिक दिस बटन टू सबमिट, राइट। तो वो इन्फॉर्मेशन अगर एग्जाम्पल की बात करें अभी के लिए, ओपन योर कंप्यूटर एंड किसी भी डिस्क के ऊपर हम लेके जाएंगे तो ये लेके आ रहा है स्पेस फ्री 43.1 GB, राइट। सो दिस इज़ अ टूल टिप। किसी और पे लेके जाएंगे तो सेम मैसेज प्रिंट होगा, राइट। तो ये कैसे क्रिएट करते हैं जावा में, हमें ये देखना है, ठीक है। सो बेसिकली हमारे पास में एक छोटा सा फॉर्म है, जे फ्रेम है, जिसमें मैंने एक बटन क्रिएट किया है और इसका आउटपुट जो है वो जावा सी डेमो डॉट जावा एंड जावा डेमो, सॉरी जावा डेमो, ये इसका आउटपुट है। नाउ हम इस कंपोनेंट के ऊपर एक टूल टिप का यूज़ करेंगे, ठीक है। आप किसी भी कंपोनेंट के ऊपर कर सकते हैं, ये एक बटन है मैं इसके ऊपर करूँगा, आप एक टेक्स्ट फील्ड के ऊपर कर सकते हैं, आप किसी चेकबॉक्स के ऊपर कर सकते हैं, ठीक है। तो मेथड क्या है हमारा टूल टिप क्रिएट करने का, बनाने का, बटन जो हमारा रेफरेंस है बटन का, राइट। देन यहाँ पे एक सिंपल सी लाइन लिखनी है, सेट टूल टिप टेक्स्ट, ओप्स टेक्स्ट, और इसके अंदर वो टेक्स्ट लिख देना है जो हमें इन्फॉर्मेशन एज ए इन्फॉर्मेशन शो करवाना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया डोंट क्लिक इट, हालांकि हाँ इट डजेंट मेक एनी सेंस बट क्या फ़र्क पड़ता है, जस्ट वी आर टेकिंग जस्ट एन एग्जाम्पल। और मैंने इसे रन किया, सॉरी फर्स्ट कंपाइल किया, जावा सी डेमो डॉट जावा देन जावा डेमो, ओके। जैसे ही मैं कर्सर इस बटन के ऊपर लेके जाऊंगा तो यहाँ पे लिख के आ रहा है डोंट क्लिक इट, राइट। सो वी हैव क्रिएटेड अ टूल टिप। सेम ऐसी इसी लाइन का यूज़ करके, इस मेथड का यूज़ करके, सेट टूल टिप टेक्स्ट का यूज़ करके हम किसी भी कंपोनेंट के ऊपर टूल टिप लगा सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू।